हे हाय गाइस, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नोड जेएस का क्रेड का ट्यूटोरियल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डेटा को इंसर्ट किया था और इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड को फेच करेंगे। जो भी रिकॉर्ड हम लोग के अंदर डेटाबेस के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको एडिट करेंगे और साथ में उसको हम लोग डिलीट भी कर सकेंगे और एक सिंगल रिकॉर्ड भी हम लोग फेच करेंगे डेटाबेस से। ओके, यहाँ पे डेटाबेस में मैंने कुछ डेटा को रिकॉर्ड को ऐड किया है जिसमें कॉलम वही है, नेम है, आईडी है, नेम है और लोकेशन है। लेकिन यहाँ पे मैंने 100 रिकॉर्ड को रखा हुआ है जिससे हम लोग को ज़्यादा डेटा मिले तो ज़्यादा टेस्ट हम लोग कर सकें आसानी से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जाता हूँ अपने फोल्डर में जो कि हम लोग फोल्डर बनाए हुए थे क्रड अंडरस्कोर नोड जेएस, और इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लिया हूँ फिच डॉट जे एस का। ओके, अब इंसर्ट डॉट जे एस में जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसी कोड को कॉपी करना है, ठीक है, और फिर डॉट जे एस में जाके हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बाकी सब चीज़ हम लोग के यहाँ पे सेम चाहिए, डेटाबेस का कनेक्शन भी सेम रहेगा और जो कनेक्शन का क्यूरी है वो भी सेम रहेगा। केवल हम लोग का एसक्यूएल क्यूरी में चेंज करना है, उससे हम लोग का काम हो जाएगा। और एक जगह यहाँ पे चेंज करना है कि जो कंसोल डॉट लॉग है जहाँ पे हम लोग रिजल्ट जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एसक्यूएल क्यूरी में चेंज करता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट के जगह पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर। ओके, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करता हूँ कि जो रिजल्ट है उसको मैं डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा उस पर डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर एरर आता है तो ये, अगर एरर थ्रू होता है तो एरर डिस्प्ले करेगा, नहीं तो कंसोल में रिजल्ट को डिस्प्ले कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड फेच डॉट जे एस। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का डेटा आ चुका है, जितना हम लोग का डेटा है वो आ चुका है। लास्ट 100 रिकॉर्ड है इसका डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आ चुका है। मैं ऊपर जाता हूँ, देख सकते हैं जो भी डेटा है हम लोग के डेटाबेस में सबको ये यहाँ पे दिखा चुका है। ओके, और ये अगर आप देखें तो ये एक एरे में दिखा रहा है, एरे सॉरी जेसन में दिखा रहा है, जेसन के फॉर्मेट में सारा डेटा हम लोग को यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब सपोज मान लीजिए कि इसमें हम लोग को एक रिकॉर्ड को फेच करना है तो हम लोग को क्या करना है, केवल एसक्यूएल क्यूरी में ही चेंज करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हम लोग सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल टू वन, यहाँ पे सिंपली अगर मैं वन लिखता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो डे आईडी वन है उसका केवल यहाँ पे रिकॉर्ड हम लोग को मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नोड जेएस कितना एजी है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 20 तो 20 का जो डेटा है वही हम लोग का आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगेन इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 का जो रिकॉर्ड है वो हम लोग का यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसका मैं नेम देता हूँ अपडेट डॉट जे एस। ओके, और यहाँ भी हम लोग को क्या करना है कि सेम ही कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब हम लोग को क्या करना है, केवल यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए करता हूँ मैं जो वन रिकॉर्ड है उसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि लिखते हैं क्यूरी अपडेट अपडेट यूजर सेट, जहाँ पे नेम है वहाँ पे सेट कर दो विवेक और जहाँ पे लोकेशन है
वहाँ पे सेट कर दो कोलकाता, ठीक है। और 21 आईडी के लिए होगा वेयर आईडी इक्वल टू 1, ओके। और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे जाने के बाद मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेम है और आईडी 20 का अभी आ रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि हमने अपडेट जेएस को कॉल नहीं किया है, हमने रन किया है अभी तक सिलेक्ट जेएस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ नोट अपडेट डॉट जेएस, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपडेट हो जाना चाहिए ट्रू, ओके। एक देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंज रो है वो दिखा दिया है कि कौन सा रो चेंज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगेन मैं अगर फील्ड और जीएस में कॉल करता हूँ मैं और देखता हूँ कि रिकॉर्ड क्या आ रहा है, तो ये चेंज हो जाना चाहिए आईडी 1 वाला, ठीक है। फील्ड और जीएस में मैंने कॉल किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल हम लोगों ने एक ही आईडी को यहाँ पे यूज किया है। तो यार आईडी अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, मैंने इसको सेव किया और अगेन मैं इसको रन करता हूँ और हम लोग जाते हैं रिकॉर्ड 1 पे और देखते हैं कि रिकॉर्ड 1 पे आईडी हम लोग का चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 पे हम लोग का जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो हम लोगों ने चेंज किया था वो चेंज हो चुका है, जिसमें कि नेम हम लोगों ने विवेक रखा था और लोकेशन कोलकाता रखा था और आईडी दिया था 1, जहाँ पे आईडी 1 हो वो रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। ये अपडेट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको डिलीट के ऊपर कमांड बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपडेट पे यूज कर लेता हूँ कि ये 1 पे करे और साथ में ये 2 पे भी करे, तो यहाँ पे अगर हम आईडी 2 कर देते हैं तो जो रिकॉर्ड 2 है इसका वहाँ भी अपडेट करेगा। तो रिकॉर्ड 2 में जो डेटा है वो ये है, ठीक है। रिकॉर्ड 2 का जो है, अब हम लोग चाहते हैं कि जो 1 में है वही चीज़ यहाँ भी ये हो जाए, ओके। मैं अगेन जाता हूँ यहाँ पे और अपडेट वाले जो फाइल है उसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। मैं अपडेट वाला को रन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और रो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, चेंज रो 1, ठीक है। अब मैं अगेन फेच वाले को कॉल करता हूँ जो कि फेच रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद हम लोग देखते हैं ओके गाइस, रिकॉर्ड 2 आई थिंक हम लोगों ने इसको सेव नहीं किया हुआ था, अपडेट वाले को सेव तो किया था। वेयर आईडी इक्वल टू 2, वेयर आईडी इक्वल टू 2, ओके गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड हम लोग का जो सेकंड वाले रिकॉर्ड है ये भी हम लोग का यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो फर्स्ट वाले में रिकॉर्ड था ये दोनों हम लोग आईडी 1 और 2 चेंज हो चुका है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रीन को थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डिलीट के लिए फाइल बनाता हूँ जो कि डिलीट करेगा। मैं यहाँ पे सिंपली न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर नेम दे देता हूँ डिलीट डॉट PHP, ओके, ठीक है। अब अगेन इसको हम लोग कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे केवल हम लोग को SQL क्यूरी में ही चेंज करना है और हम लोग का काम हो जाएगा। सॉरी, ये PHP नहीं रहेगा, यहाँ पे रखना है हम लोग को JS का फाइल है, ओके।
ठीक है, यहाँ पे केवल हम लोग को चेंज करना है इसको, इस फाइल को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट यूजर वेयर आईडी इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ कुछ रिकॉर्ड, वन रो डिलीटेड। मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट डिलीट डॉट जेएस। ओके, सॉरी, यहाँ पे लिखना था हम लोग को डिलीट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इक्वल टू, डिलीट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इक्वल टू 2। ठीक है, मैं इसको अगेन रन करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन ये एरर आ रहा है, यू एम आई स्क्रीन चेक, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर थ्रू एरर। ओके, डिलीट डिलीट फ्रॉम यूजर्स, डिलीट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आई डी इक्वल टू यूजर वेयर आई डी इक्वल टू 2, डिलीट फ्रॉम यूजर, डिलीट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर आई डी इक्वल टू 2। ओके, हम लोग इसको एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं कि एरर क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एडिट इन लाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। ओके, आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं अगेन इसको अगर रन करता हूँ तो भी ये एरर आ रहा है, डिलीट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर आई डी इक्वल टू 2, डिलीट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर आई डी इक्वल टू 2। डिलीट फ्रॉम यूजर, ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो एस्ट्रिक रहेगा ये नहीं रहेगा, डिलीट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर आई डी इक्वल टू 2। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैसेज आप देख सकते हैं कि वन रो डिलीटेड, मतलब कि जो सेकेंड रो है वो डिलीट हो चुका है।